भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा दूसरा T20 मुकाबला इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। प्रकाश द्विवेदी लाइव फ्रॉम ENP न्यूज़, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर भारत को चौथी सफलता मिली है और श्रीलंकाई टीम को लगा है बहुत बड़ा झटका। सेट बल्लेबाज विनोद भानुका यहाँ पर कुलदीप यादव का शिकार बने हैं। आज कुलदीप ब्लेस्ड एंड गाइज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा स्पेल डाला। भले ही उन्हें 2 विकेटें जरूर मिली हो, ये 3 विकेटें भी हो सकती थी शुरुआत से ही अगर उनको रिव्यू अच्छा मिल जाता, लेकिन आज कुलदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। कुलदीप ने दिया है आज अपने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब और भारत को मिला है मौका इस मुकाबले में वापसी करने का। बड़ी बात यह है कि अब श्रीलंकाई टीम को 8 ओवर में करीब करीब 65 रनों की दरकार है, जो कि फिलहाल इस पिच को देखते हुए मुमकिन नहीं दिख रहे। श्रीलंकाई टीम 12 ओवर में फिलहाल 68/4 है। धनंजय डिसिल्वा और वरिंदु हसरंगा यहाँ पर टिके हुए हैं, लेकिन चौथे विकेट के रूप में सेट बैट्समैन यहाँ पर विनोद भानुका आउट हुए हैं। कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक इस मुकाबले में। राहुल चहर ने भी 3 ओवर डाले हैं, वरुण चक्रवर्ती के सिर्फ 2 ओवर हुए, तो अभी तक नवदीप सैनी को गेंदबाजी कराई नहीं है कप्तान शिखर धवन ने, तो अब वो अगले 8 ओवर कैसे देखेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि श्रीलंका टीम यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश जरूर करेगी। उस लिहाज से देखा जाए तो भारत को एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। 1 विकेट और अगर भारत लेने में कामयाब होता है तो यहाँ पर श्रीलंका टीम बैकफुट पर नजर आ सकती है, लेकिन आज अगर भारत जीत जाएगा तो एक बहुत बड़ा इतिहास रच जाएगा। चलिए, ऑस्ट्रेलिया में हमने हराया, श्रीलंका में हमारी बी टीम ने हराया, लेकिन आज तो सी टीम हरा के अगर श्रीलंका को जा रही है तो भाई अब श्रीलंकाई टीम को भी शर्म आनी शुरू हो जाएगी कि टीम इंडिया जैसी टीम को हार के आ रहे हैं। और भारत के पास अब 60 से 70 खिलाड़ियों का ऐसा बंच है कि आप इन्हें कहीं भी खिला दो ये आपको मैच जिता कर दे देंगे। ANP न्यूज़ रूम से प्रकाश द्विवेदी की लाइव रिपोर्ट है।